जी हाँ, तीन तलाक पर आर या पार इसलिए कहना पड़ रहा है क्योंकि 48 घंटे का वक्त बचा है ट्रिपल तलाक बिल राज्यसभा से पास होने के लिए। लेकिन कल सदन में जो हमने तस्वीर देखी उससे ये साफ हो गया कि विपक्ष लामबंद हो चुका है। सरकार को विपक्ष के आगे कल के दिन में घुटने टेकने पड़े क्योंकि कांग्रेस समेत 18 दल इस कदर सामने आए और ये कहा कि ये बिल पहले सेलेक्ट कमेटी के पास जाए संशोधनों के लिए और उसके बाद इसे पास किया जाए। जबकि सरकार की तरफ से ये कहा गया कि कांग्रेस की ये बहुत बड़ी भूल है और एक बार फिर से इस बिल का रास्ता रोकने की तैयारी कांग्रेस पार्टी कर रही है। सदन में क्या हुआ कल और अब जो 48 घंटे हैं यानी आज और कल का दिन बहुत अहम है क्योंकि इसी वक्त में पास होना है ये बिल, तो इस पर आपको रिपोर्ट हम दिखाएंगे। लेकिन उससे पहले सबसे बड़ा कवरेज क्योंकि आज तक पर आप इस पर देख रहे हैं, खास मेहमान हमारे साथ यहाँ स्टूडियो में मौजूद है। हमारे साथ मौलाना अंसार रजा मौजूद है, गरीब नवाज फाउंडेशन के अध्यक्ष, साथ ही हमारे साथ स्टूडियो में मौलाना साजिद रशीदी मौजूद हैं, प्रेसिडेंट ऑल इंडिया इमाम एसोसिएशन। हमारे साथ ट्रिपल तलाक पीड़ित महिलाएं भी हैं, सोशल एक्टिविस्ट भी हैं, ये इनसे भी हम बात करेंगे, इनकी कहानी भी जानेंगे। और साथ ही हमारे साथ कांग्रेस नेता शोभा ओझा होंगी कुछ ही देर में स्टूडियो में, जीवीएल नरसिम्हा राव हमारे साथ जुड़ेंगे, उनसे भी हम चर्चा करेंगे। लेकिन कल के दिन सदन में क्या हुआ सबसे पहले देखिए ये रिपोर्ट। अप्रत्यक्ष तरीके से ट्रिपल तलाक बिल का विरोध कर रही है, ये केवल दिखावा था कि उन्होंने बयान दिया और लोकसभा में इसका समर्थन किया। आज राज्यसभा में उन्होंने पूरा प्रयास किया कि किसी प्रकार से ये बिल पारित न हो। एक सदन में कहना कि हम इस बिल के पक्ष में हैं और दूसरे सदन में उसको टालने की कोशिश करना, ये उनकी राजनीति रही है। कलेक्टिवली एन ओवरवेलमिंग मेजोरिटी ऑफ द हाउस हैड कन्वेड इट टू द गवर्नमेंट एंड ऑल्सो टू द Honorable Chairman in the Business Advisory Committee, that this be referred to the Select Committee. But it was clear from the government's adamant attitude that they are playing politics in the name of this bill. अब सरकार इसे आज फिर राज्यसभा से पास कराने की कोशिश करेगी। आज तक से खास बातचीत में कानून मंत्री रविशंकर प्रसाद ने कहा कि कांग्रेस जो संशोधन चाहती है वो तर्कसंगत नहीं है। हम अपनी बात कहेंगे, उनका पूरा अमेंडमेंट जो है वो टेक्निकली फीजिबल नहीं है। जो उनके पॉइंट्स हैं उनको आप क्यों नहीं एड्रेस कर रहे, जो उनके पॉइंट्स हैं। तो पॉइंट्स अरुण जेटली ने एड्रेस किया कि नहीं किया, मेरे ख्याल में आपने भी सुना होगा। सवाल पॉइंट का नहीं है, सवाल है खवातीनों की इज्जत का, उनको न्याय का, तीन तलाक से मुक्ति का। कांग्रेस पार्टी पॉइंट की बात करती है, हम सब्सटेंस की बात करते हैं। जिन दलों ने बिल को सेलेक्ट कमेटी में भेजने का प्रस्ताव रखा है उनमें कांग्रेस, टीएमसी, सीपीएम, सीपीआई, एसपी, बीएसपी, डीएमके, एआईएडीएमके, टीडीपी और बीजेडी शामिल हैं। तो इसमें हम अकेले नहीं हैं, 17 पार्टियां राज्यसभा में एक तरफ है और भाजपा और उसके साथ एक पार्टी है, वो भी बाहर बाहर से ही, अंदर से वो भी नहीं है, अकाली दल। तो ये अकाली दल और भाजपा के बगैर कोई दूसरा पार्टी नहीं है, शिवसेना ने भी वॉकआउट किया। अगर तीन तलाक कहने की वजह से पति को जेल भेज दिया जाएगा तो बीवी को गुजारा भत्ता कौन देगा? ये भी तर्क दिया जा रहा है कि पति को जेल भेज देने से सुलह की कोई उम्मीद नहीं रह जाएगी। विपक्ष की इन आपत्तियों से इत्तेफाक रखने वालों ने कल यूपी के कई शहरों में बिल के खिलाफ प्रदर्शन किया, लेकिन उनकी तादाद भी कम नहीं जो बिल के समर्थन में प्रदर्शन और दुआ कर रहे हैं। ऐसे में सवाल ये कि लोकसभा में बगैर किसी संशोधन के बिल पास कराने के बाद सरकार जिसे मुस्लिम महिलाओं के लिए ऐतिहासिक दिन बता रही थी, क्या वाकई आज राज्यसभा से बिल पास होकर सही मायने में वो इतिहास बन पाएगा? शीत सत्र सिर्फ कल तक है, ऐसे में सरकार के पास वक्त बेहद कम है। अशोक सिंघल के साथ बालकृष्ण, दिल्ली आज तक। तो शीत सत्र की उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है, 48 घंटे का वक्त बाकी और पूरे देश की निगाहें इस बात पर टिकी है कि क्या ट्रिपल तलाक बिल, जिसके लिए एक लंबी लड़ाई मुस्लिम महिलाओं ने ली, इंसाफ की गुहार लगाते हुए सुप्रीम कोर्ट तक ने उसे असंवैधानिक करार दे दिया। सरकार बिल लेकर आई, लोकसभा से रहा आसान रही, लेकिन राज्यसभा में आकर बिल फंस गया। तो ऐसे में अब आज के दिन में सूरत हाल क्या रहता है, तमाम खास मेहमान हमारे साथ जुड़ गए हैं। मैं इंतजार कर रही थी कि कांग्रेस की प्रवक्ता हमारे साथ शोभा ओझा जुड़ती, तो हम पहला सवाल उनसे लेते, लेकिन जीवीएल अब पहले मैं आपके पास आऊंगी। कल के दिन में जो हुआ वो सबने देखा, लेकिन अब मुश्किल आपके लिए भी है क्योंकि आपका घटक दल टीडीपी भी सपोर्ट कर रहा है विपक्ष को, अब ऐसे में कैसे बिल पास होगा?
तो मीनाक्षी जी, ये केवल संख्या की लड़ाई नहीं है, ये महिलाओं को उनको कानून और संवैधानिक हक देने की बात है। और जब ये बिल पारित हुआ लोकसभा में, जो पार्टियां इनको समर्थन किए थे तो उन पर प्रश्न उठेगा। मैं मानता हूं उन पर जनता का दबाव होगा, क्योंकि जनता की जब न्याय की बात आती है तो आप एक सदन में एक तरह की रुख और राज्यसभा में दूसरी तरह की स्टैंड नहीं ले पाएंगे। यदि ऐसा करेंगे, ये आप जनता के साथ सीधा धोखा दे रहे हैं। तो धोखा की राजनीति यदि कोई कर रहा है यहाँ, ये कांग्रेस पार्टी और वो दल कर रहे हैं जो अलग अलग स्टैंड अलग अलग सभा में ले रहे हैं। जो बिल पारित हुआ लोकसभा में वही राज्यसभा में पेश हुआ है, तो उसको पारित करने में क्या दिक्कत है? ये बिल को रोककर सेलेक्ट कमिटी को भेजने की जो सजेशन है, ये यहाँ पर बात कर रहे हैं, आप यहाँ पर नैतिकता की बात कर रहे हैं, लेकिन सवाल ये, संख्या बल आपके फेवर में नहीं है तो आप कैसे फ्लोर पर इसको मैनेज कर पाएंगे? बड़ा सवाल ये, 48 घंटे का वक्त आपके पास बचा है। नो मीनाक्षी जी, मैंने यही बात आपको कही है। ये जब हम ऐसा बिल पेश कर रहे हैं जो जनता के हित में है, तो कोई किसी भी दल के लिए इसको विरोध करना संभव नहीं होगा। मैं ये बात आपको आज भी अभी भी कह रहा हूं। तो इस पर बहस होगा, बहस के दौरान जो चर्चा करना है वो कर सकते हैं। ये केवल 4 प्रावधान की बिल है, इसको सेलेक्ट कमिटी को भेजने की जो साजिश है, मैं इसको साजिश कहूंगा, क्योंकि वो दल नहीं चाहते हैं तो अपनी जो स्टैंड है राज्यसभा में प्रस्तुत करें। वो चाहते हैं इस बिल के विरोध वोट करना क्या मान्य रखता है? ये जनता के साथ कितनी बड़ी धोखा होगी। लेकिन सवाल यहाँ पर ये भी बनता है कि बिल को लेकर, जो बिल को लेकर आपत्तियां हैं या कुछ सवाल जो लोगों के मन में है, उस पर हमेशा ये कहा जा रहा है कि उसे लेकर तस्वीर सरकार ने साफ नहीं की है। हमारे साथ यहाँ धर्मगुरु भी बैठे हुए हैं, मौलाना अंसार रजा, आपको जिस पर कहना चाह रहे थे, और आपत्तियां आपकी भी हैं बिल को लेकर जो शक्ल साफ नहीं है उस पर। पहली बात तो मैं क्लियर कर दूंगा, मैं धर्मगुरु नहीं हूँ, मैं एक एनजीओ है उसका एक कार्यकर्ता हूँ। मैं एक सवाल नरसिम्हा राव साहब से करना चाहता हूँ। ये बहुत पढ़े लिखे आदमी है, इसमें कोई शक नहीं कि बीजेपी में बहुत अच्छी पकड़ रखते हैं ये, शायद दुनिया न जानती हो इनके बारे में, ये तो ईवीएम में भी कमी निकालने वाले बहुत पढ़े लिखे आदमी है। एक सवाल का जवाब मैं चाहता हूँ कि कल जो आप लोग 250-300 औरतों को पार्लियामेंट में ले गए थे, उसकी क्या क्या वजह थी? इतना थोड़ा सा भारत के लोगों को बता दीजिए, फिर हम अगला सवाल करते हैं। क्या जरूरत पड़ गई थी आपको? क्या आज तक भारत के इतिहास में कोई बिल ऐसा आया है कि जिसमें उस बिल से जुड़े हुए लोगों को बाकायदा तौर पर मैनेज करके जामा मस्जिद से कुछ नकाब खरीद के उन्हें पार्लियामेंट में ले जाया गया? क्या वजह थी उसकी? जी भैया, जवाब ये बता दीजिए प्लीज। नो अंसार राजा, आप जितने भी कोशिश करें, नहीं नहीं नहीं, जवाब दीजिए, आपको ये बताना पड़ेगा आज भी आप जवाब क्यों विरोध कर रहे हैं? जीबीएल साहब जवाब दीजिए। नहीं नहीं, हम भी जानते हैं सर, नहीं नहीं, सही प्रश्न पर, सही मुद्दे पर हमें चर्चा करना चाहिए यहाँ। अच्छा, ये मुद्दा सही नहीं कि पार्लियामेंट में सुप्रीम कोर्ट में जाने वाले महिला, सही से महिला कौन थी? तो हम भी कल जो मुस्लिम महिला जो सुप्रीम कोर्ट में आपने सवाल पूछा, क्या संसद, मैं जवाब दे रहा हूँ, जवाब दे रहा हूँ, क्या संसद, अंसार राजा जी समझ लीजिए, आप इतने बौखलाहट में क्यों हैं? अरे जब मुस्लिम महिला सुप्रीम कोर्ट के दरवाजे खटखटा सकती है जी, क्या मुस्लिम महिला या तो कोई भी महिला किसके लेटर पर जनता और तो क्या सुप्रीम संसद में नहीं जा सकते हैं? बिल्कुल जा सकते हैं, भविष्य की चर्चा हो रही है, क्यों ले गए थे पार्लियामेंट में? भविष्य बनने की बात हो रही है, क्या उसमें नहीं जा सकते हैं? यहाँ तो कोई काम ही नहीं था उनका जाने का। जीबीएल साहब बेवकूफ मत बनाओ भारत के लोगों, नहीं नहीं संसद में जाना, आप तो इतना बताओ कि क्यों ले गए, क्या वहां क्या जरूरत थी? प्रतिदिन बीजेपी रख रही थी ना, हजारों आरएसएस रख रही थी ना, उन औरतों की क्या इमोशनल करना क्या हो रही है लोगों को? तो मौलाना आपसे मैं पूछना चाहता हूं, मुझसे मत पूछो यार, ठीक है, आपका पॉइंट आ गया, ठीक है, जवाब नहीं आपके पास, महिलाओं को जवाब नहीं आपके पास, अंसार रजा जवाब नहीं आपके पास, कांग्रेस आप लोग इमोशनल करना चाह रहे हैं, अंसार रजा को क्यों कष्ट, आप बर्बाद करना चाह रहे हैं, आप डराना चाह रहे हैं मुसलमानों को, नहीं आप देखिए हम यहां पर ट्रिपल तलाक की बात कर रहे हैं, हम ट्रिपल तलाक पर बिल पर बात कर रहे हैं, आप डरा करके महिला, मैं आपको रोकूंगी यहां पर, बिल पर बात कर रहे हैं, आप एक सेकंड के लिए वो केवल
ये सिर्फ चाहे आरएसएस पूरे भारत में नाराज हो जाए, भारत के मुसलमान डरने वाले नहीं है। ठीक है, आप राहुल गांधी से मौजूद है। ये वो महिलाएं हैं जिन्होंने ट्रिपल तलाक का दंश झेला है, इनकी आवाज सुना अभी ज्यादा अहम है। ट्रिपल तलाक जो है वो इनकी लड़ाई है। आप सिर्फ इन्हें मुसलमानों की लड़ाई ना कहें, लड़ाई ये इनकी है, महिलाओं की लड़ाई अलग है। मैं आपसे सवाल पूछूं, कल जो हमने सदन में देखा वो आपने भी देखा, आपकी निगाहें इस बात पर टिकी थी कि आज सदन से आपके लिए क्या मुस्तकबिल निकल कर आता है। कल जो सदन में हुआ उस पर आपका रुख क्या है, आप जवाब दें सबको। कांग्रेस दल जो अब रुकावट कर रही है इस बिल को आने में, ये पहले कहाँ थे? उस टाइम संशोधन क्यों नहीं किया जिस टाइम टाइम था आपको आगे बढ़ के कुछ करने का? उस टाइम कुछ नहीं बोले और अब इस चीज में रुकावट कर रहे हैं, जबकि महिलाओं के चेहरे पे खुशी देखी है हमने। क्यों? क्योंकि उनको इस चीज का इत्मीनान हुआ है। नहीं तो हमें इस चीज की उम्मीद है कि जिस तरह से तीन तलाक औरतों को सड़क पे ला चुका है, ये लगातार मुद्दा चलता ही रहेगा। शाजी, आपको लगता है सिलेक्ट कमेटी के पास बिल को ले जाने को लेकर जो मांग हो रही है, बिल का रास्ता रुक रहा है, उससे फंस रहा है? जी बिल्कुल फंस रहा है, और ऐसा बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। जो मुसलमान ये मौलवी मुल्ला ये लोग कर रहे हैं कि जो इन्होंने पहले कहा कि हाँ कानून बनना चाहिए और फिर कहा कि नहीं, और अब जब कानून बन रहा है तो ऑब्जेक्शन उठ रहे हैं। वही कांग्रेस ने भी अपना असली चेहरा दिखा ही दिया कि पहले तो था कि हम समर्थन है और बिल का विरोध नहीं, कानून तो बन, आपने आप सबने ये कहा था कि कानून बनना चाहिए, कानून बन रहा है। सवाल यहाँ पर बहुत सारे अब कांग्रेस पार्टी के लिए उठ रहे हैं कि कल जो सदन में हुआ क्या वो बिल का रास्ता रोकने की कोशिश है? कांग्रेस पार्टी की प्रवक्ता शोभा ओझा भी हमारे साथ अब कुछ ही पलों में जुड़ेंगी। एक छोटे से ब्रेक के लिए आज तक पर आप लगातार ये विशेष कवरेज देख रहे हैं, क्योंकि आज पूरे देश की निगाहें राज्यसभा पर टिकी होंगी। 48 घंटे का ये वक्त है और क्या ट्रिपल तलाक बिल आज यहाँ से पास होकर जाता है या फिर फंस जाता है, ये देखना होगा। हमारे साथ अब कांग्रेस की स्पोक्स पर्सन यहाँ पर शोभा ओझा भी जुड़ गई हैं, उनसे भी हम बात करेंगे। लेकिन राज्यसभा का समीकरण पहले देखना बहुत जरूरी है, क्योंकि इसी समीकरण की वजह से मुश्किल आ रही है और जो विरोध यहाँ पर दर्ज किया गया है उसको देखते हुए अब सवाल यही उठ रहा है, क्योंकि संख्या बल सरकार के पास नहीं है तो कैसे ये बिल पास होगा। दरअसल 245 सीटें जो राज्यसभा में हैं उसमें बीजेपी और घटक दलों को अगर मिला दें तो 82 सीट उनके पास हैं, लेकिन कांग्रेस के पास यहां संख्या बल ज्यादा हो रहा है। जो लोग उन्हें सपोर्ट कर रहे हैं, जो पार्टियां सपोर्ट कर रही हैं उसे देखते हुए 141 और मनोनीत यहां पर सांसद 8 हैं, तो यहां पर सरकार फंस रही है। और इसी वजह से लोकसभा की राह बेशक आसान रही हो, लेकिन बार बार हम ये कह रहे हैं कि अग्नि परीक्षा बिल की राज्यसभा में है। शोभा ओझा, आप हमारे साथ जुड़ चुकी हैं, ब्रेक से पहले भी जो बात हमारी हुई, लगातार सवाल यही उठे कि जब लोकसभा से ये बिल पास हो गया तो फिर राज्यसभा में क्यों अटकाया जा रहा है। अरुण जेटली खास तौर पर ये कह रहे हैं, आरोप लगा रहे हैं कांग्रेस पार्टी के ऊपर कि कल का दिन जो एक सुनहरा दिन हो सकता था महिलाओं को इंसाफ दिलाने को लेकर, कांग्रेस पार्टी उसे चूक गई। देखिए, अरुण जेटली जी और भारतीय जनता पार्टी खुले तौर पर राजनीति कर रही है। कोई भी बिल महज लाने के लिए, नाम के लिए नहीं लाना है हमें वो बिल लाना है जहां हम महिलाओं को सशक्त कर सकें, जहां महिलाओं को ताकत दे सकें। आप वो बिल उठा के देखिए, उस बिल में महिलाओं को क्या ताकत मिल रही है? पहले तलाक 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 कह के महिलाओं को छोड़ दिया जाता था, अब तलाक 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 कह के शोहर 3 साल के लिए अंदर हो जाएगा, महिला वहीं की वहीं, उसकी मेंटेनेंस के लिए, उसके जीवन यापन के लिए, उसके बच्चे के लिए, उसके लिए बिल क्या दे रहा है? बिल कुछ भी क्लियर नहीं कह रहा है कि आखिर महिला का जीवन यापन कैसे क्या, होगा क्या, और आपको? ये बात मैं बहुत साफ कह दूं कि भारतीय जनता पार्टी झूठ बोलती है। लोकसभा में भी यही मसला कांग्रेस ने उठाया था कि सिलेक्ट कमेटी यही मांग करी थी। सवाल यहाँ पर मेरा, आपने जो आपत्तियां दर्ज की महिलाओं की सुरक्षा को लेकर, उनके भविष्य को लेकर, क्या आपको नहीं लगता कि सुप्रीम कोर्ट जिस बात को असंवैधानिक कह चुका है, 6 महीने का एक डेडलाइन दिया गया कि आप इसमें कानून लेकर आए, पहले वो कानून तो बन जाए उसमें आप सपोर्ट करें। कानून तो सही बने, कानून हम कानून नहीं बनने देना चाहते, ऐसा नहीं। सुप्रीम कोर्ट के वर्डिक्ट का सबसे पहले स्वागत कांग्रेस पार्टी ने ही किया था
और कांग्रेस पार्टी चाहती है कानून बने, पर कानून ऐसा बने जिससे महिलाओं को सच में ताकत मिले। कानून महज उस तरह का नहीं बने जिसके कोई दांती ना हो, जिसमें महिलाओं को कोई ताकत नहीं मिले, जहाँ महिलाएं पहले भी छूटी हुई थी, सड़क पे थी और इस बिल के कानून के बाद भी सड़क पे। ये जो मेरी मैम कह रही है कि बीजेपी राजनीति कर रही है, तो राजनीति बीजेपी नहीं कर रही, राजनीति अब कांग्रेस कर रही है, क्योंकि कांग्रेस को ये लगता है कि इस मुद्दे की वजह से बीजेपी आई है, तो ऐसा हरगिज नहीं है। ये बिल पास नहीं भी हुआ तब भी आना बीजेपी नहीं है। एक बात आपको साफ तौर पे बता दूं, लोकसभा में भी देखिए लोकतंत्र है इस देश में, एक बात समझनी होगी। मेरा सवाल आप लोगों से ये, महिलाओं के भविष्य को लेकर जो सवाल उठ रहा है कि अगर शोहर जेल चला जाता है तो फिर महिला का क्या होगा, उसका गुजारा भत्ता कैसा चलेगा, पहले कैसे चलता था? तो पहले भी तो नहीं चलता था, तो आप क्या चाहती हैं कि अभी भी ना चले? आप इस पर क्या सुधार चाहती हैं? कम से कम जो औरत को जो दर्द दे रहा है उसको सजा तो मिल रही है, जो औरत को दर्द दे रहा है उसको सजा तो मिल रही है। सजा मिलने पर, सजा एक तरफ है, महिलाओं के बारे में आखिर सजा दिलाना ही महिला का मकसद है कि उसकी जीवन में भी कोई बदलाव आना चाहिए। इतनी रहनुमाई, इंसाफ का मकसद आज कांग्रेस, आज कांग्रेस मुस्लिम महिलाओं की इतनी रहनुमाई क्यों कर रही है? बीजेपी की नहीं, नहीं तो कांग्रेस, मैं सबको कह रही हूं, आज इतनी रहनुमाई क्यों हो रही है? बता दो, ये रहनुमाई पहले क्यों नहीं दी? नहीं कर रही है बीजेपी, आपके कंधे पर रख कर बंदूक चला रही है, तो चाह रही है कि एक ऐसा बिल आए जिसमें महिलाओं की सुरक्षा भी सुनिश्चित की जाए। ये रहनुमाई पहले कहां गई थी? देखिए कांग्रेस कह रही है कि सिलेक्ट कमेटी, ठीक है मैं आपका पॉइंट, ये रहनुमाई पहले कहां गई थी? मैं साफ कर दूं कि ये देश लोकतंत्र है और लोकतंत्र में बहस होनी चाहिए और अच्छा बिल बनना चाहिए। हमारे यहाँ तानाशाही नहीं है कि सरकार यही सवाल आपके ऊपर हाँ कर दे, और यही सवाल आपके ऊपर उठ रहे हैं शाहबानो से लेकर अब तक की बात हो रही है कि ये रहनुमाई अब क्यों याद आ रही है महिलाओं का, ये सवाल हो रहा है, क्यों नहीं बहस होनी चाहिए? एक ब्रेक के लिए रुकना है, हम फौरन लौटेंगे, जीवेल भी हमारे साथ बने हुए हैं, जो सवाल सरकार के ऊपर उठे हैं जवाब उनसे भी लेंगे, फौरन लौट रहे हैं, देखते रहिए आज तक। लेटेस्ट खबरों के लिए यू ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।